दूसरा और भ्रमित करने वाले हैं, और भ्रमित हम हो जाते हैं जीवन के बारे में। कॉलेज में जाते हैं और फिर कोई आके बोलता है, ए कभी सिगरेट पीकर देखा है? नहीं देखा है। अरे बी मैन यार, यानी हमारा पुरुषार्थ किसमें है? सिगरेट पीने में। और हम वो मानते हैं, हमें ही लगता है अरे ये चार लोग सिगरेट पी रहे हैं और मैं अकेला नहीं ले रहा हूं, अरे ये शराब पी रहे हैं और मैं नहीं ले रहा हूं, क्या सच में मैं लल्लू हूं? आपको बताया जाता है कि ये लल्लूपन है। लल्लूपन किसमें है? शराब पीने में है। कोई कहता है हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए आप घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं और घोड़ा, ये घोड़ा गाड़ी कहां जाएगी ये आप तय करेंगे या घोड़ा तय करेगा? यदि घोड़ा तय करेगा तो आपका क्या होगा? और एक घोड़ा नहीं, पांच घोड़े हैं और पांच घोड़े पांच दिशा से जा रहे हैं तो आपका क्या होगा? ये पांच घोड़े हमारे पांच इंद्रिय है, वो हमें पांच दिशा से खींच रहे हैं। क्या हम उनका सुनेंगे, हम उनके गुलाम होंगे या वो हमारे दास रहेंगे? पुरुषार्थ किसमें है? इन पांच घोड़ों को संयमित रखते हुए जहां जाना है वहां पहुंचने में, या जो घोड़ा जो बोलता है उसके पीछे दौड़ने में और स्वयं को नष्ट करने में। और हमें आके लोग बोलते हैं, अरे बी मैन यार, हम सोचने लगते हैं हाँ हाँ शायद ऐसा ही है। एक बार कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र विद्यालय में पढ़ी हुई एक विद्यार्थिनी, मारिया राधिका नाम था उसका, वो मारिया 11-12 में कई दूसरे स्कूल में गई, तब अपने विद्यालय में नहीं था 11-12, और वो वापस आई। मैंने पूछा, मारिया कैसी हो? बस इतना ही पूछा और वो रोने लग गई। वो रोई रही, मेरे समझ में ही नहीं आया। मैंने उसको पूछा कि अरे क्या हुआ बताओ तो। वो बोली, दीदी मैं क्या बताऊं, मैं यहां जो पली और बाहर जो गई, बाहर इतना गंदा वातावरण है। मैंने कहा, क्यों क्या हुआ? उसने कहा, जब मैं गई मुझे उधर कुछ लड़कियों ने पूछा, ए तुम्हारा हीरो कौन है? इसने बताया स्वामी विवेकानंद। तो सारी हंसने लगी और इसके समझ में नहीं आया। वो बोले, अरे हीरो यानी रजनीकांत, कमला हासन, ऐसे नाम। वो बोली, दीदी ये समझ में नहीं आता है, अभी ये 92 की बात है, अभी इसके आगे गया है, अभी हीरो यानी वो कोई दूर रहने वाला नहीं। तो किसी लड़के के साथ ये लड़की घूम रही है या नहीं, ये प्रश्न है, नहीं तो हम लल्लू है। अरे ये लड़की क्या है, ये क्या यानी मराठी में कहते हैं काकूबाई है, आंटी हो गई क्या? और हमें भी लगने लगता है कि अरे हाँ क्या हम पागल हो गए क्या? आपको मालूम है रामायण में स्वयंवर था सीता का, राम ने अपने पुरुषार्थ से उस धनुष का भंग किया, करने के बाद जनक सामने आए, उन्होंने कहा आपने सीता का हाथ जीत लिया है, अभी सीता आपकी पत्नी होगी, मैं सीता को आपको देना चाहता हूं। राम बोले, नहीं, मेरे पिताजी को संदेशा भेजिए, यदि मेरे माता पिता इसको मानते हैं तभी यह विवाह होगा। ऐसे अनेक उदाहरण, ये न केन प्रकारेण प्रेम का नाटक करो, हिंदू या सिख लड़की से शादी करो, उससे बच्चे पैदा करो,